नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ ऑन द रोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं कतरारी के स्कूल में और आप सभी को दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे व्यवस्थाएं चलती हैं, कैसे पढ़ाई होता है और कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, सभी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, आइए। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा कतरारी का स्कूल का महाविद्यालय का पूरा व्यू है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। इधर आइए, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सर जो हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये देखिए पूरे बच्चे हैं यहाँ पर। सर आपका क्या नाम हुआ? सतन प्रताप सिंह। सर ये बच्चों को आप कैसे पढ़ा रहे हैं? देखिए पूरे बच्चे हैं, ये अपने सीट पे बैठे नहीं हैं, आपको पूरे घेरे रखे हैं, ऐसे कैसे पढ़ाया जाता है? अभी एक्चुअली में हम लोगों ने कुछ क्लासेस को इंक्लूड किया है, तो इस वजह से थोड़ा सा अभी कल का होमवर्क मैंने दिया था, इस वजह से अभी जो चेक कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कारण हुआ कि आपको पूरा क्लास इंक्लूड करना पड़ा? इसमें जो डल बच्चे हैं, जो थोड़े कमज़ोर हैं, डल नहीं कहा जाएगा, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको एक साथ ला के उनको शुरू से हर चीज़ों पे बेसिक चीज़ों का नॉलेज इनको दी जा रही है। मान लीजिए सभी क्लास के बच्चों को, कितने क्लास के बच्चों को इंक्लूड किया गया है? 1, 2, 3। तो मान लीजिए 1 के जो बच्चे हैं उसको 3 में इंक्लूड करेंगे तो वो जो छोटे बच्चे रहेंगे, बच्चे बेसिक 1 के लिए जो तैयारी है वो जो 3 के बच्चे नहीं सीख पाए उनको बेसिक चीज़ें वही चीज़ें बताई जा रही हैं जो 1 के बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। तो जिससे बच्चों जो 1 वाले हैं उनका तो प्रॉपर वे में तैयार हो रहा है, लेकिन जो 3 वाले हैं जिनका छूट चुका है, कुछ बच्चे 3 वाले पीछे भी हैं दूसरे कमरे में, जो कमज़ोर बच्चे हैं उन बच्चों को यहाँ पे मैंने शामिल किया है और उनको अधिक से अधिक प्रयास किया जा रहा है कि उनको बेसिक चीज़ें उनकी पॉलिश हो जाए, मतलब अच्छे ढंग से वो हो जाए, तो यही उद्देश्य है। और इनका जो सिलेबस है वो कम्प्लीट हो चुका है सर? हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कम्प्लीट हो रहा है, लेकिन जो कमज़ोर है इसीलिए इनको मर्ज किया गया है ना, कि सिलेबस से हिसाब से तो हम लोग थोड़ा सा अभी नहीं ध्यान दे रहे हैं। अभी ध्यान ये दिया जा रहा है कि जो निपुण भारत का जो लक्ष्य हमने बनाया गया है उनको प्राप्त करने के लिए किस तरह से बच्चों को भाषा और गणित के विषय में पारंगत किया जाए। तो अभी हमारी जो प्रारंभिक जो ये प्रयास है, ये अभी इन लोग को शब्दों का ज्ञान, वाक्यों का प्रयोग कैसे बोलना है उनको, फिर मात्राओं का ज्ञान, ये सब चीज़ें अभी बताई जा रही हैं। अच्छा, क्या लगता है कि सब बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? अभी तो आप देख लीजिए किसी, या तो प्रैक्टिकल रूप से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बताओ सर कैसा पढ़ाते हैं? बताओ कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। समझ में आता है? हाँ। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंखा भी लगा है, डेस्क की भी अच्छी सारी अच्छी सुविधाएं हैं। और ऐसा सरकारी स्कूल में अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सरकारी स्कूल में मास्टर आते हैं और चले जाते हैं, फिर पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात होती है, क्योंकि आप जब सरकारी स्कूल से सरकार से पैसा लेते हैं, सरकार क्या हम ही लोग अपना देते हैं, तो वही आपके अकाउंट में जाता है, वही हम आप लोग लेते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ाई भी करवानी चाहिए और बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे कि हम दूसरे क्लास में आए हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पंखा लगा हुआ है, डेस्क की अच्छी सारी सुविधाएं हैं। अच्छा ये बताओ बच्चा लोग, क्या पढ़ते हो तुम लोग? विज्ञान। विज्ञान में कौन सा चैप्टर चल रहा है? 12। और सर कहाँ हैं आपके? वहाँ पे। सर से हम बात करेंगे, सर से जानेंगे। सर कैसा आप बच्चे कैसा पढ़ते हैं यहाँ के? बच्चों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी है और बच्चे पढ़ने पे ध्यान भी देते हैं और जो पढ़ाया जाता है वो मतलब समझने की कोशिश करते हैं, पूरा सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए सर, सिलेबस कहाँ तक इन लोगों का पहुँचा, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गया है तो ये सिलेबस कैसा कर रहे हैं? विज्ञान में 12वां पाठ लगभग इसमें चल रहा है, अपवर्तन और जल्दी ही सिलेबस। और अंग्रेजी में कौन सा लेसन चल रहा है भाई, आप लोग बताइए? अंग्रेजी में कौन सा लेसन चल रहा है? 13 कंप्लीट हो गया है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आपको भी दिखाएंगे कि ये देखिए बाहर का व्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है, जो चलने के लायक, यहाँ पे टहलने के लायक। और ये आप देख सकते हैं कि ये सर का जो है वो स्टाफ रूम है और यहाँ पे सारे लोग बैठते हैं, टीचर्स लोग,
जब पढ़ा करके आते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद से जब घंटी इन लोगों की लगती है तो जाते हैं पढ़ाने। ये हमारे साथ मौजूद हैं आप प्रधानाचार्य महोदय। सर आपका क्या नाम हुआ? मैं शंभु शरण दिवाकर। सर आप इस स्कूल को कैसे संचालित करते हैं कुछ उसके बाद विषय बताइए। सबसे पहले तो किसी भी काम को करने के लिए समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे यहाँ जो 7 अध्यापक हैं इसमें 2 लोग जो हैं बोर्ड ड्यूटी में चले गए हैं और बाकी 5 अध्यापक मिलकर स्कूल चला रहे हैं। बच्चों की संख्या करीब 261 है और कंपोजिट है, 1 से 8 तक का स्कूल है हमारा, और अध्यापक की कमी अभी भी है। बच्चों के हिसाब से हमें जो एक अध्यापक ज़रूरत है क्योंकि तो एक कक्षा हमारी सफ़र करती है। और मैनेजमेंट ये है कि हम लोग आपस में बड़े प्रेम से रह के किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होता हम लोगों में, और बिना जब तक कोई भी ये टीम वर्क है, जब तक हम मिलकर नहीं काम करेंगे तब तक हम किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम इसमें विशेष तौर पर हमारे जितने भी अच्छे अच्छे अध्यापक हैं सब काफ़ी निपुण हैं और अपने अपने विषय के अच्छे ज्ञाता हैं, और 1 से 5 के भी अच्छे अध्यापक हैं और 6 से 8 में भी अच्छे अध्यापक। अब हम लोग मिलकर काम करते हैं एक साथ, और कंपोजिट स्कूल होने के नाते जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ गई हैं हम लोगों की, और हमारा विद्यालय PM श्री में भी चयनित हो गया है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इस गांव के लिए भी। इस इलाके में इंटर कॉलेज नहीं है, 1 से 12 तक की योजना के अंतर्गत हमारा विद्यालय चयनित हुआ है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इसमें भी सरकार की तरफ से कुछ कुछ नई नई प्रगति हमें देखने को। आप ये भी आप जान सकते हैं कि कतरारी में 1 से लेकर 12 तक का स्कूल बनने जा रहा है, और ये आम क्षेत्रवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि ये आप बंधे के नीचे आएंगे तो आपको 12 तक का स्कूल नहीं मिलेगा, बल्कि आप बेली पार से जब आएंगे बेली पार से अंदर आपको कहीं भी 12 तक का स्कूल दिखाई नहीं देगा, और ये बंधे के नीचे जब बनेगा 12 तक का स्कूल तो ये चारों ओर के क्षेत्रों को कवर करेगा और चारों ओर के बच्चे आ करके यहाँ पे अच्छे से अपना पठन पाठन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, एकदम सही सूचना है, और हम लोग भी इसलिए गौरवान्वित हैं कि सरकार की तरफ से हमारा चयन हुआ है विद्यालय में। हमारे यहाँ स्मार्ट कास्ट की भी सारी व्यवस्था की गई है, कम कक्ष थोड़ा हमारा डिस्टर्ब हो गया इस वजह से थोड़ा सा है, लेकिन ठीक है। तभी भी हमारे प्रधान जी भी बहुत सहयोगी हैं, श्री राम प्रसाद निषाद जी बड़े सहयोगी हैं, और जो भी विद्यालय में कमी रहती है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। अभी टाइलीकरण उन्होंने कराया है। थोड़ा दिखाइए टाइल्स को, दिखाइए, ये बहुत अच्छा टाइल्स लगा है। टाइलीकरण हमारे विद्यालय को हुआ है, और इसके बाद उधर भी कक्षा हमारी है, उधर भी टाइलीकरण हुआ है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा टाइल्स लगा हुआ है कि पूरा तो एकदम पूरा प्लेन है, कहीं भी उबड़ खाबड़ नहीं है, और काफ़ी अच्छा टाइल्स लगाया गया है जिससे लगता है कि मतलब यहाँ पे विकास हो रहा है। हाँ हाँ, विकास हो रहा है, विकास के लिए ही सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं जिसमें हमारा विद्यालय भी लाभान्वित हो रहा है, हमारे बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं, और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को काफ़ी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मैं कतरारी की तरफ से और अपने विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित। क्या जी पढ़ाई होती है? कोई बात नहीं ना है। अच्छा ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है और उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ, पता है ना? हाँ, पढ़िए बढ़िया से। और भी आपको दिखा देंगे कि ये देखिए मोटर का लगा हुआ है, और पीछे शौचालय है, शौचालय की भी काफी अच्छी व्यवस्था है, ऊपर से छत है, और यहाँ पे दरवाजा भी काफी अच्छा लगाया गया है। और आपको दिखाएंगे कि हम बहुत से स्कूल में जाते हैं, देखते हैं ना वहाँ पे शौचालय की व्यवस्थाएं अच्छी रहती हैं, ना दरवाजा लगा रहता है, और आम लोगों को जो छात्र पढ़ने आते हैं उनको भी काफ़ी सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो ये सब व्यवस्थाएं यहाँ पे बहुत अच्छी दी गई हैं, और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि मध्याह्न जो भोजन चलता है उसका भी कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। बच्चों को खाना टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता है? बच्चों को खाना टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। और आपके साथ जो भी वर्कर आते हैं काम करने, वो लोग डेली आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। डेली आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। आते हैं? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, है? नहीं नहीं। और अच्छे से भोजन बनाती है कि नहीं? हाँ, अच्छे से बनाती है। हाँ। अच्छे से बच्चे खाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अच्छे से बनाती हैं और बच्चे खाते हैं। ये आप देख सकते हैं थाली भी लगा हुआ है, ये सब बच्चों के लिए है। बहुत अच्छी बात है कि ये इतना बढ़िया व्यवस्था दी गई है सरकार के द्वारा ग्राम कतरारी में, और जब बच्चे खा लेते हैं भोजन कर लेते हैं तो यहाँ पे आके हैंड वॉश करते हैं, हैंड वॉश के लिए भी अच्छी सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं।
काला देखें, सब साफ सुथरा देख ले सब इतनी। हाँ, ये पुल भी लगाया गया है कि जो बच्चे आए अपना यहाँ के इतनी कहीं नहीं है, हम देखा था चारी हो। नहीं, हम भी कई जगह गए हैं, हाँ। देखे हैं, लेकिन इसके अच्छा इससे ज्यादा व्यवस्था कहीं नहीं दिया, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और ये आप देख सकते हैं कि नल है, और नल की भी व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं, समरसेबल भी इसके अंदर लगाया गया हुआ है, ऊपर टंकी भी लगाया गया है, छत तो भी अच्छा है, कहीं से कोई लीकेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ।